पूरनपुर नाम का एक गांव था। गांव में हमेशा ही कोई ना कोई परेशानी आती रहती थी। किसान अपने फसलों को लेकर परेशान रहते तो कभी कोई रोजगार के लिए परेशान रहता। पूरनपुर का हाल बेहाल होता जा रहा है। अगर कुछ दिन ऐसा ही हुआ तो हमें ये गांव हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। पता नहीं किसकी नज़र इस पूरनपुर कस्बे को लग गई है। कस्बे में तरक्की का नाम ही नहीं है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। पूरा गांव कर्जे में है, ना ही पैसा है ना ही फसल। अब गांव के लोग करे तो करे क्या। पता नहीं ये सब कब दुरुस्त होगा। फिर भी मैंने आपके लिए खिचड़ी बना दी है, आप इसे खा लीजिए। कई साल पहले पूरनपुर गांव जब खुशहाल और अच्छा हुआ करता था तब ज्यादातर गांव के लोग सरकारी कर्मचारी थे। कोई डाकिया था तो कोई कलेक्टर। उनमें ही से एक था करण, जो कि खुद एक पुलिस वाला था, लेकिन घूसखोरी के इल्जाम की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। आखिर कब तक अपनी नौकरी की चिंता में रहोगे। जाकर बाहर टहलो, घूमो, लोगों से मिलो, तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। कहीं भी जाओ माँ, सब अपना दुखड़ा रोते रहते हैं। मैं इन सब चीजों से परेशान हो गया हूँ। इतना कहकर करण घर से बाहर चला जाता है और जाकर अपने बचपन के दोस्त राजू से मिलता है। आगे दोस्त, अब तुम भी अपनी परेशानी सुना सकते हो मुझे। मैं हूँ ही इसलिए। लगता है आज भी किसी ने नौकरी छूट जाने का ताना सुना दिया। आखिर तुम सब जानते ही हो, यहाँ इस तरह गांव में बैठे बैठे हम कैसे कुछ अच्छा कर लेंगे। पूरा गांव कर्जे में डूबता जा रहा है। आसपास के सभी गांव वाले हमारी बेइज्जती करते हैं। मैंने तो तय कर लिया है कि मैं अब किसानी करूंगा। फसलों से कम कुछ ही दिन सही, मगर हमारा गुजारा तो होगा। लेकिन सारे किसानों की फसल खराब है तो तुम्हारी कैसे अच्छी हो जाएगी। तुम उसकी चिंता मत करो, खाली बैठे हो, कम से कम मेरे साथ खेती तो करो। कहते हैं ना कि बेरोजगार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। और ऐसे ही करण राजू की बात मान गया और उसके साथ खेतों में किसानी करने लगा। दोनों हर सुबह अपने अपने खेतों में जाते और पूरा दिन मेहनत करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत चुके थे और एक दिन करण को खेत में एक शैतानी पत्थर नजर आया जब वो हल से अपना खेत जोत रहा था। ये क्या है, ये बड़ा ही अजीब पत्थर लग रहा है। और ये इस खेत में कैसे, इस गांव में तो कुछ भी हो रहा है। सच बात है, मैं इसे फेंक देता हूँ। करण उस पत्थर को खेत से बाहर फेंक देता है और वो शैतानी पत्थर जाकर राजू के खेत में गिरता है और वो चमकने लगता है। पूरा दिन बीत चुका था। अगले दिन राजू जब अपने खेत में हल चलाने गया तब उसकी नजर उस चमकते हुए शैतानी पत्थर पर पड़ी। ये क्या, ये पत्थर चमक कैसे रहा है, मैं उसे उठाकर देखता हूँ। और जैसे ही राजू ने उस चमकते हुए शैतानी पत्थर को उठाया तो उसने देखा कि उसके सारे खेतों से बारिश होने लगी, मानो जैसे खेतों से बारिश हो रही हो। ये क्या, ये कैसे हो सकता है, मेरे पूरे जमीन से बारिश कैसे हो रही है, इतनी सारी पानी की बौछारें, जमीन की बारिश। राजू चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव वालों को बुलाने लगा और उसके खेत में हुए जमीन की बारिश को दिखाने लगा। अरे देखो देखो, ये चमत्कार देखो, मेरे खेतों से बारिश हो रही है, आओ आओ सब लोग पानी लेकर जाओ। सारे गांव वाले खुशी खुशी उस जमीन की बारिश से पानी लेने लगे, कोई मटका लेकर तो कोई बड़ा सा ड्रम लेकर। और जैसे ही ये बात करण को पता चली वो सब कुछ देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, हो ना हो माँ, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सिर्फ राजू के ही खेतों से कैसे पानी की बौछार यानी जमीन से बारिश हो रही है। ज्यादा पानी की वजह से गांव का एक भी खेत और घर महफूज नहीं है। गांव में उस अकेले खेत की वजह से बाढ़ आ सकती है और गांव डूब सकता है। तुम तो हमेशा ही ऐसी उल्टी सीधी बातें किया करते हो, इसीलिए परेशान हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं माँ, मैं सब पता लगाकर ही रहूँगा। करण इतना कहकर उन खेतों की जानिब जाने लगा, लेकिन उसे रास्ते में ही उस चमत्कारी शैतानी पत्थर के साथ राजू मिला। राजू कहाँ जा रहे हो। कुछ नहीं, बस यूं ही, तुम बताओ। जैसे ही करण ने राजू को आवाज दी, राजू वो चमकता पत्थर छुपाने की कोशिश करने लगा। तुम ये क्या छुपा रहे हो मुझसे, ये कहीं वो अजीब सा पत्थर तो नहीं है ना जो मैंने तुम्हारे खेत में फेंका था। अच्छा, बड़े आए मेरे खेत में फेंकने वाले, ये तुम सारी बातें झूठ बोल रहे हो। तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है ना, लोगों के खेतों में पानी जा रहा है, किसानों की फसल अच्छी आएगी, फिर भी तुम इस चमत्कारी पत्थर के पीछे पड़े हो। इसका तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं वो सब अच्छे से देख लूंगा। ये शैतानी पत्थर उनके गांव में पास के गांव के सरपंच मंगू लाल ने रखवाई थी। उस पूरनपुर गांव के वासियों को हमें देखना होगा,
हमारे काले पैसे उनके गांव के पुलिस इंस्पेक्टर करण ने देख लिए हैं। अब हम क्या करें? मैं एक औरत को जानता हूँ जो जादू टोना करने में बहुत माहिर है। अगर ऐसा है तो उसके गांव में जादू करवा दो ना। बाकी का मामला मैं संभाल लूंगा। उसका मुंह बंद करना बहुत जरूरी है। मैं आज ही उस औरत के पास जाकर पूरनपुर गांव में जादू करवाऊंगा। सरपंच का आदमी उस शैतानी औरत के पास चला गया। उस औरत से पूरनपुर गांव में जादू करने की बात बताई। तब उस औरत ने कहा, बागड़ बोल, तुम चिंता मत करो, जाकर ये पत्थर उनके कस्बे में फेंक दो। उस गांव की सारी खुशियां तबाह हो जाएंगी, कस्बे में परेशानियां फैल जाएंगी। जय बागड़ बोल। और वैसा ही हुआ। सरपंच के उस आदमी ने पूरनपुर गांव जाकर करण के घर के खेत में दफना दिया, जिस वजह से गांव में सारे काम उल्टे हो रहे थे। घर के पंखे उल्टे चल रहे थे। बारिश बादलों की बजाय जमीन से हो रही थी। फसल अच्छी होने की बजाय खराब हो रही थी। उसी शैतानी पत्थर की वजह से करण को नौकरी से भी निकाल दिया गया। उतने में ही राजू की बेगम वहाँ भागती हुई आई। खेत के जमीन के बारिश की वजह से हमारी पूरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमें उसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही होगा। तुम फिक्र मत करो, ये देखो मेरे पास ये जादुई पत्थर है ना। इसे हम जैसे ही गांव से बाहर ले जाएंगे ना, ये पानी बंद हो जाएगा और इसमें मैं करण को भी अपने साथ ले चलूंगा। राजू और उसकी बेगम जाकर वो सारी बातें करण को बताते हैं। करण उनके साथ उस शैतानी पत्थर को लेकर गांव से बाहर चला जाता है। दो, ये पत्थर मुझे दो, मैं इसे गांव के बाहर फेंक दूंगा। हमें गांव को पानी की परेशानी से बचाना होगा। नहीं करण भाई, ये गलती मेरी है, इसलिए ये काम मैं ही करूंगा। और राजू वो शैतानी पत्थर को गांव के बाहर फेंकने लगा। तभी अचानक वो पत्थर आग जैसी लपटे उगलने लगा। वो एक जादुई पत्थर था। राजू के हाथ से पत्थर गिर गया। तब तक आधा से ज्यादा गांव पानी की चपेट में आ चुका था। राजू और करण समेत सारे गांव वाले डर गए थे। ओह, ये पत्थर तो शैतानी लग रहा है। मेरा हाथ, ओह, सब कोई दूर हो जाओ उस पत्थर से, वरना हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम सब लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मुझे तो बेहद डर लग रहा है। इस पत्थर को यहीं छोड़कर हमें यहाँ से चलना चाहिए। सारे गांव वाले उस जगह पर मौजूद हो गए थे। सब उस जमीन की बारिश से डर गए थे। सरपंच और उस शैतानी औरत की चाल कामयाब हो चुकी थी। सरपंच और उसके आदमी पूरनपुर की दशा देखने आ गए और कहने लगे, अरे दरोगा बाबू, क्या हुआ? सब कोई परेशानी में नजर आ रहा है। पूरनपुर गांव की तो यह हालत होनी ही थी सरपंच जी। हमारी तकलीफों में हंस रहे हैं आप, कैसे सरपंच है? अरे वाह, जब तुम्हें तकलीफ हुई तो कैसे सरपंच है? जब तुम्हारा पूरा गांव हमारे गांव की नाकामयाबियों पे हंसता था, तब एक एक दिन मैं खून के आंसू रोया हूँ। तो क्या तुम इसकी सजा पूरे गांव वालों को परेशान करके निकालोगे? ये क्या बात हुई, लानत है तुम पर। उतने में वहाँ पर करण उस शैतानी औरत को लेकर आ जाता है और कहता है, सब ठहर जाओ, मेरे पास इस चीज से बचने का तरीका है। मैंने शैतानी औरत को सारी बात बताई है। इन सब के पीछे सरपंच, उनके घूसखोर आदमी है। एक तरफ वो शैतानी औरत मंत्र पढ़ने लगी, दूसरी तरफ उस पत्थर को तोड़कर जमीन से होने वाली बारिश खत्म हो गई। लेकिन करण ने उस पत्थर के टुकड़े को सरपंच के गांव की तरफ फेंक दिया। नहीं, ये मत करना, वरना हमारा गांव चकनाचूर हो जाएगा। हमारे गांव की भी सारी खेती खराब हो जाएंगी। पूरनपुर की जमीन की बारिश अब फूलपुरा गांव में होने लगी थी। गांव के वासी अपने सरपंच के काले कारनामों की वजह से गांव छोड़कर चले गए। करण को उसकी नौकरी फिर से मिल गई। राजू अपनी बेगम के साथ खेती में फिर से लग गया। पूरनपुर में सब कुछ अच्छा होने लगा। लेकिन सरपंच के गांव में आज भी जमीन से बारिश हो रही है। ये कहानी है नदीमपुर गांव की। इस गांव का नाम नदीमपुर है, पर इस गांव में कोई भी नदी या बड़ा तालाब नहीं है। साथ ही गांव में पानी की बहुत परेशानी है। इस गांव में दो तरह के लोग रहते हैं, पहले हैं अमीर लोग और दूसरे हैं गरीब लोग। नदीमपुर गांव दो हिस्सों में बटा हुआ है। मंदिर के सामने अमीर लोगों की बस्ती है, जबकि मंदिर के पीछे गरीब लोगों की झोपड़ियां हैं। पता नहीं यार, कौन इस गांव में सबसे पहले आया
और इसमें इन अमीर लोगों को मंदिर के सामने घर बनाने की जगह दे दी और हम लोगों को मंदिर के पीछे। ये ख्याल मेरे दिमाग में भी बहुत बार आता है कि आखिर इन अमीर लोगों ने ऐसा क्या किया है जो इनको सारे ऐशो आराम दिए जाते हैं और हमें हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। वही ना, तुम ही देख लो, हमारे गांव में पानी के 3 कुएं हैं, जिनमें से 2 बड़े कुएं अमीरों की बस्ती में हैं, जबकि एक छोटा कुआं हमारी झोपड़ी में। पहली बात तो ये कि हमें सिर्फ ये कुआं दिया और वो भी छोटा सा, जबकि हम लोग अमीरों से कहीं ज्यादा हैं। हमारे साथ सरासर नाइंसाफी की है। ये सब हमारे पूर्वजों ने किया होगा। हमारे पूर्वजों ने कुछ बुरे काम किए होंगे और उसका फल हमें भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं यार, भगवान जाने क्या हुआ होगा, हमें उससे क्या लेना देना है। इन बेकार की बातों से तो हमारी तकलीफ नहीं दूर होने वाली है। सही कहा भाई तुमने, हम भी क्यों इन बेकार की फालतू बातों में उलझे हुए हैं। गांव में पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। जिस दिन से तेज धूप उगने शुरू हुए हैं, उस दिन से कुएं का पानी कम होता जा रहा है। अच्छा, तो इसी वजह से कुएं पर कपड़े धोने के लिए मना किया गया है। हाँ हाँ, इसीलिए कपड़े धोने के लिए मना किया गया है। अरे भाई, यहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, कपड़े धोकर क्या करेंगे। चलो, घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे। राम और श्याम अपना मटका लेकर कुएं की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों कुएं के पास पहुँचते हैं। राम बाल्टी कुएं में डालता है और ऊपर खींचता है। वो देखता है कि बाल्टी में तो कुछ पानी नहीं आया। अरे ये क्या हो गया, ये तो खाली बाल्टी ऊपर आ गई। अरे ये क्या, कहीं कुएं से पानी खत्म तो नहीं हो गया। लग तो ऐसा ही रहा है। राम और श्याम दोनों कुएं में झांकते हैं। कुआं पूरी तरह से सूख गया है। अरे यार, जिस बात का डर था वही हो गया। अभी तो गर्मियां ठीक से शुरू भी नहीं हुई है और कुआं अभी से सूख गया है। अब क्या करें। अब जो करेंगे ये अमीर लोग ही करेंगे। तुम्हें क्या लगता है, वो लोग हमें पानी देंगे। लगता तो नहीं है, पर फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। राम और श्याम दोनों अपने मटके लेकर अमीरों की बस्ती की ओर जाते हैं। कुछ देर पैदल चलने के बाद ये दोनों अमीरों के बस्ती के गेट के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये दोनों अंदर जाने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं, तभी एक अमीर आदमी राजीव इन्हें देख लेता है और वहीं रुक जाने के लिए कहता है। रुक जाओ, कौन हो तुम दोनों और अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो। जी मेरा नाम राम है और ये मेरा दोस्त श्याम है। श्याम उस अमीर आदमी को नमस्ते कहता है। जी नमस्ते। पर राजीव ठीक से जवाब नहीं देता। ठीक है, कहाँ से आए हो और यहाँ कहाँ घुस रहे थे। जी हम इसी गांव में रहने वाले हैं, आपके पड़ोसी हैं। आज तक तो तुम्हें कभी नहीं देखा। जी हम मंदिर के पीछे वाली झोपड़ियों में रहते हैं। अच्छा, तो तुम लोग झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, यहाँ हमारी बस्ती में क्यों आए हो। हमारा कुआं सूख गया है और हमारे घर में पीने तक के लिए पानी नहीं है, इसीलिए हम आपके कुएं से पानी लेने आए हैं। अच्छा, तो अब तुम गरीब लोग भी हमारे कुएं से पानी भरोगे। तो क्या हम लोग पानी लेने के लिए दूसरे गांव जाएंगे। आप बुरा मत मानिए, हमारा वो मतलब नहीं था। हमें तो बस एक एक मटका पानी चाहिए। एक मटका तो दूर, तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। और अगर गलती से भी हमारी बस्ती में कदम रखने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। देखिए, हमारी मदद कीजिए, अगर आपको कभी कोई जरूरत हुई तो हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। तुम गरीब लोग क्या हमारी मदद करोगे, तुम लोग हमारे किसी काम के नहीं हो। तुम लोग सिर्फ मांगना जानते हो और कुछ नहीं। अगर कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हम आपको दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर हमें किसी चीज की कभी कोई जरूरत हुई और वो चीज हमें तुम गरीब लोगों से मांगने की जरूरत पड़े तो हम भूखे प्यासे रह जाएंगे, पर तुमसे कभी नहीं मांगेंगे। अब निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। राम और श्याम दोनों मायूस होकर अपने घर की तरफ लौटते हैं। अब क्या करेंगे, अब तो हमें पहाड़ी पर बने कुएं से ही पानी लाना पड़ेगा। वो तो बहुत दूर है, वहाँ से पानी लाने में तो 2 दिन लग जाएंगे और उस पहाड़ी से तो एक बड़ा मटका पानी ला भी नहीं सकते।
कहीं फिसल गए तो जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। अगर पानी नहीं लाएंगे तो बिना फिसले ही प्यास से मर जाएंगे। चलो कोशिश करके देखते हैं। राम और श्याम दोनों पहाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। दो दिन पैदल चलने के बाद दोनों आखिरकार पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा कुआं है। अरे ये कुआं तो पानी से पूरा भरा हुआ है। मन तो करता है कि ये कुआं ही उठाकर अपने साथ गांव ले चलूं। इन दोनों की बातें सुनकर कुआं उनसे पूछता है, क्यों इतने पानी का क्या करोगे बच्चों? हमारे गांव का कुआं सूख गया है और पानी की बहुत बड़ी कमी हो गई है। हम लोग यहाँ से केवल एक एक मटका ही पानी ले जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी पर ढलान और फिसलन है, वहाँ से गिरने का भी डर है। कुआं इन दोनों की तरफ देखता है। दो दिन के इस पैदल सफर के बाद दोनों बेहद थके हुए थे। कुएं को इन दोनों पर तरस आ जाता है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चे, अब तुम्हें पानी लेने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा। मैं खुद चलकर तुम्हारे गांव में आऊंगा और सबको पानी दूंगा। कुएं की बात सुनकर राम और श्याम दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। अब कुआं राम और श्याम के साथ इनके गांव की ओर चल पड़ता है। आगे राम और श्याम चल रहे हैं और पीछे कुआं चल के आ रहा है। दो दिन के इस पैदल सफर के बाद राम और श्याम कुएं के साथ अपने गांव में गरीबों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। पानी से भरा हुआ कुआं देखकर सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। अब ये कुआं सभी गरीबों के घर में पैदल जा जाकर उनको पानी देता है, जिससे अब सभी गरीब लोग अच्छे से कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है और नदीमपुर गांव में अमीरों की बस्ती के दोनों कुएं सूख जाते हैं। आसपास कहीं भी दूर दूर तक पानी नहीं है, इसलिए अमीर लोग गरीबों की बस्ती में आने के लिए निकल पड़ते हैं। राजीव अपने दोनों हाथों में बाल्टी लेकर गरीबों की झोपड़ी की ओर आ रहा है। राजीव को आता देख श्याम उसे रोक देता है। कहाँ जा रहे हो तुम? गर्मी की वजह से हमारे दोनों कुएं सूख गए हैं, घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। क्या तुम मुझे दो बाल्टी पानी दे सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, चले जाओ यहाँ से। हम पर मेहरबानी करो भाई, अगर इस बुरे वक्त में आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम लोग प्यास से ही मर जाएंगे। तो मर जाओ ना, रोका किसने है? भूल गए, जब हमारा कुआं सूख गया था तब तो तुमने हमें अपनी बस्ती में भी नहीं आने दिया था। मुझ पर मेहरबानी करो भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ऐसे मत बोलो भाई, आखिरकार ये हमारे गांव के ही हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। क्या तुम भूल गए कि इसने हमारे साथ क्या किया था? हाँ मैं नहीं भूला, पर अगर बुरे वक्त में हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो हम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? राम राजीव को और बाकी अमीर लोगों को अंदर अपनी झोपड़ियों में लाता है और उनके बर्तन भर कर देता है। अब श्याम भी राजीव और बाकी अमीर लोगों को माफ कर देता है और राम और श्याम दोनों के कहने पर पैदल चलने वाला कुआं सब अमीरों के घर पर जाकर उन्हें भी पानी देता है। अब पूरे गांव से पानी की कमी दूर हो जाती है और अब इस गांव में अमीर और गरीब सभी लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। विलासपुर नाम का एक अनोखा गांव था। घर सबके कच्चे थे लेकिन मन सबका पक्का। हमेशा वहाँ चहल पहल रहती थी। अधिकतर गांव के व्यक्ति शहर कमाने चले जाते और महीने में एक आध बार अपने गांव बिलासपुर आते। गांव की औरतें कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करके घर के खर्चे चलाया करती थीं। कहाँ जा रहे हो बेटा मोनू? घर चले जाओ, तूफान आ रहा है और बारिश आने की भी संभावना है। आज मेरे अब्बू शहर से मेरे लिए माटी का गुड्डा लेकर आने वाले हैं। मैं वो गुड्डा भूमर चाचा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लेकिन चलो, वो सीधा घर आ जाएंगे। तुम पहले अंदर चलो और अब्बू के ना आने तक तुम अपनी अम्मी के साथ ही रहना। उस वक्त मूसलाधार बारिश का वक्त था। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में जाकर
बारिश आके चले जाने का इंतजार कर रहे थे। अम्मी, अब्बू कब तक आएंगे? मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएंगे बेटा, बस तुम शांत हो जाओ। और देखना, वो तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएंगे। कुछ ही देर में बहुत जोरों से बारिश होना शुरू हो जाती है। गांव पूरा डूबने वाला होता है। तब वही मोनू के अब्बू वहां पर आ जाते हैं। मोहतरमा, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे, क्योंकि मौसम विभाग से खबर आई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली। अगर हम यहाँ रहे तो हमारी दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा घर बार, हमारा ठिकाना, सब कुछ तो यही है। हमारे पास तो अब राशन भी नहीं बचा, और इस घर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है। अब्बू, आप मेरे लिए गुड्डा लेकर आए या नहीं? बेटा, गुड्डा तो मैं तुम्हें बरसात के बाद दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ, जिसमें तुम अपनी शिकायत लिख सको। तब उन्हें घूमर चाचा आवाज देते हैं। अरे चंद्रकांत बेटा, पूरा गांव नदी के उस पार जा रहा है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक हम वहीं रहने वाले हैं। अपना कीमती सामान लेकर हमारे साथ वहाँ चलो। लेकिन हमारा गुजारा वहाँ कैसे होगा? हम क्या करेंगे वहाँ पर? तुम बस अपने घर का कीमती सामान ले चलो, कुछ राशन हो तो वो भी ले लो, और वहाँ पर हमारे साथ चलो। इसी में सबकी जानें बचेंगी, वरना अगर नदी और बारिश का पानी हमारे घर में आ गया तो हमारे घर नहीं बचेंगे। चंद्रकांत अपने खानदान और कीमती सामान लेकर जा ही रहा था कि मोनू ने अपने साथ किताब भी ले ली। बेटा, तुम अपनी किताब मुझे दे दो, वरना तुम्हारी किताब पानी में भीग जाएगी। ठीक है अम्मी। सारे गांव वाले नदी के उस पार जाकर मिलते हैं, और सारे ही जिसके पास जो हो सकता था वो लेकर नदी के पार चला गया। किसी ने बासी खाना लिया तो किसी ने अपने कपड़े और जेवरात। नदी के तट पर गांव वाले बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। पूरे एक दिन उस तट पर बिताने के बाद ना राशन बचा और ना ही ठिकाना। पानी भी वक्त के साथ साथ भरता जा रहा था। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमें खुद इंद्रदेव से दुआ करनी होगी, तब जाकर कुछ तरकीब निकलेगी। आखिर इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है। इंद्रदेव, रहम करो, हमारे साथ बच्चे और बूढ़े भी हैं, रहम करें, उन बेचारों की जान खतरे में है। उनकी दुआ सुनकर एक बड़ा सा उजाला आता है और इंद्रदेव प्रकट होते हैं। इस बारिश का कारण खुद पृथ्वी के लोग हैं। इसमें मैं तुम पर बारिश रोक कर रहम तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें बचा जरूर सकता हूँ। तुम्हारे बेटे के पास एक कागज की किताब है। उस कागज की किताब से वो जितने भी घर बनाएगा वो बड़े हो जाएंगे और बारिश में भीगेंगे भी नहीं। जैसे ही बारिश खत्म होगी सारे घर समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्रदेव वहां से चले गए और मोनू ने कई सारे कागज के घर बनाए। जैसे ही उन्हें जमीन पर रखा, वो देखते ही देखते वो बड़े से कागज के घर बन गए। सारे विलासपुर वासी कागज के घर में रहने लगे। बारिश अभी भी जोरों से चल रही थी। अम्मी, मुझे बेहद जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। इतनी तेज बारिश में हमारे पास खाने को कुछ बचा नहीं है। हम क्या बनाकर खिलाएं जिससे बच्चों का पेट भर पाए? चंद्रकांत घुमड़ चाचा के कागज की कुटिया में जैसे तैसे चला जाता है। क्या हुआ चंद्रकांत बेटा, तुम इतनी बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो? क्या बताऊं काका, मेरा बच्चा और बेगम दोनों भूख से कराह रहे हैं। अगर हमने खाने का इंतजाम नहीं किया तो खतरा ना आ जाए। जैसे तैसे जाकर अब बारिश हमारे घरों में नहीं आ रही है, वरना हमारा असली घर भी पानी में डूब चुका है। मेरे गांव वाले घर में कुछ चावल और मसाला है, अगर वहां जैसे तैसे पहुंच जाएं तो कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मेरे घर पे भी मेरा शहर से लाया हुआ बैग है, अगर हम वहां चलकर वहां पर कुछ इंतजाम कर सकते हैं तो बहुत भला होगा। कड़कड़ाती बिजली और बारिश में अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों अपने बाढ़ में डूबे गांव
विलासपुर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके गले तक पानी भर गया है। यहाँ तो पूरे गले तक पानी भरा हुआ है। कहीं हमारे घर का बचा खुचा राशन भीग गया होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ से लौट जाना ही ठीक है। नहीं, मैंने अपना राशन घर के ऊपर स्टील की टंकी में रखा हुआ है। अगर हम मेरे घर से वो टंकी ले चलें, तो हमारा काम बन जाएगा। रुकिए, मैं जाकर ले आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। चंद्रकांत घुम्मर चाचा के घर जाकर, जो घर पानी से आधा भरा हुआ था, वहां से राशन की टंकी ले लेता है। घुम्मर चाचा और चंद्रकांत सारा राशन लेकर कागज के गांव पहुंचते हैं। उनके हाथ में राशन देखकर पूरे गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं। इस चावल से हम खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इससे हम कुछ दिन और यहाँ अच्छे से बिता लेंगे और सबका पेट भी भर जाएगा। पूरे दो दिन बीतने के बाद बारिश हल्की कम हो जाती है। लगता है बारिश बंद होने वाली है। अगर ऐसा होगा तो हमारा विलासपुर गांव, वहां जाकर हम रहने लगेंगे। कुछ ही देर में बारिश बंद हो जाती है। सारे बेहद खुश हो जाते हैं। बारिश के बंद होते ही कागज का गांव इंद्रदेव के कहने के तहत गायब हो जाता है। सारे अपने गांव विलासपुर पहुंचकर पानी कम होने का इंतजार करने लगते हैं। अरे देखो, कच्चे घर इतने भीगने के बाद भी नहीं डूबे। ये जरूर इंद्रदेव का करिश्मा है। ये, अब मैं अपने असली घर में रहूंगा। हाँ बेटा, तुम अब यहाँ पर रहोगे। सारे गांव वाले अपना घर अच्छा पाकर खुशी खुशी विलासपुर में अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।